हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। वेलकम टू बैक माय चैनल। आज बहुत ही स्पेशल आपको मैं बताने वाली हूँ। मैं एक नई जर्नी पे जा रही हूँ और वो कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल बस अभी थोड़ी तैयारी जो मेरी कंप्लीट हो गई है, निकलना है आज। आज का हमारा जाने का दिन है, ट्रेन से या प्लेन से वो ही हिसाब है। तो वो आगे आपको मैं बताऊंगी। तैयारी कहाँ तक पहुंची है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, बैग रेडी हुआ है, बस थोड़ा वर्क टच अप है, बाकी थोड़ी पैकिंग बाकी है, फिर हम निकल जाएंगे। बस मैं आपको इतना हिंट दूंगी कि बहुत दूर की जर्नी है ये। आप जरूर मेरे से कनेक्टेड रहिए, आपको आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। पता नहीं मेरा आज ये फेस क्यों ऐसा दिख रहा है। दरअसल तैयारी में नींद नहीं हुई है बराबर से, इसके लिए फेस कुछ ऐसा दिख रहा है। चलिए फिर आगे मिलते हैं। हाँ, आगे मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलाती हूँ, वो बताएंगे थोड़ा बहुत। हेलो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई। मैंने आपको बोला था मैं प्लेन से जा रही हूँ या ट्रेन से जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ ट्रेन से। दरअसल हम लोग को बहुत लेट हो गया, गाड़ी छूटने में बस 2 मिनट बाकी था, तो इतना फास्ट हम गाड़ी के अंदर एंट्री किए, तो इसके लिए मैं आपको बीच का नहीं दिखा सकी। लेकिन अभी थोड़ा बताती हूँ, बस गाड़ी स्टार्ट हो गई है, बांद्रा टर्मिनल से हम लोग ने पकड़े हैं। और कहाँ जा रही हूँ मैं ये आपको मैं आगे बताऊंगी। सुबह हो गई है, हम लोग मॉर्निंग के आप 11 बजे कॉफी 7 बजे हैं। ठंडी एक्चुअली क्या है कि एसी बहुत फास्ट लगे थे और यहाँ का क्लाइमेट भी बाहर का इतना गर्म नहीं है, तो इसके लिए ठंडी ज्यादा लग रही है। एसी बहुत फास्ट है। ये देखिए बाहर का नजारा, थोड़ा दिल भी गया है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं आपको मैंने अभी तक नहीं बताया है। दरअसल मेरे हस्बैंड नहीं है, वो बिजी थे, बोल के नहीं आए हैं। मैं अपने एक रिलेटिव्स के साथ जा रही हूँ कश्मीर। इसके लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, आप जरूर देखना। कश्मीर जा रही हूँ मैं, मेरे एक रिलेटिव से उनके यहाँ शादी भी है और घूमूंगी भी। एक्चुअली थोड़ा जल्दी जाना था लेकिन लेट हुआ, लेकिन चलता है। उनके घर में फंक्शन स्टार्ट हो गए शादी के, एक दिन हम लोग लेट होंगे। चलो देखते हैं। मिलती हूँ बाद में। देखिए हम जम्मू उतर गए। जम्मू पहुंच गए, अभी श्रीनगर बाय रोड जाएंगे।
बजे यहाँ पहुँचे हैं दोपहर के, वहाँ से एक दिन पहले 11 बजे चले थे और यहाँ 3:45 बजे पहुँचे हैं। अभी बाय रोड श्रीनगर जा रहे हैं। वेटिंग रूम में हम आए हैं क्योंकि बाय रोड जाने के लिए भी थोड़ा टाइम बाकी है। अमरनाथ यात्रा यहाँ चल रही है तो इस वजह से थोड़ा मतलब बहुत टाइम शुरू लिए है, तो गाड़ी मतलब बहुत टाइम से निकल रही है तो हम थोड़ा इधर रुके हैं वेटिंग रूम में। जम्मू से हम लोग श्रीनगर के लिए निकल गए हैं। श्रीनगर के लिए निकले थे लेकिन आगे बहुत बारिश हो रही है तो चेक पोस्ट पे रुकाया गया है सब गाड़ियों को। देखते हैं अभी कभी छोड़ते हैं। कितने जल्दी हम लोग कोशिश किए कि जल्दी निकलने के लिए, सब नीचे उतर गए हैं। अभी मैं ही बैठी हूँ, कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे का रास्ता खुल जाए। एक्चुअली श्रीनगर में रात से बहुत बारिश हुई है तो इसके लिए अभी रास्ता रोका हुआ है कि आगे कहीं पत्थर पहाड़ के कोई पत्थर ना गिर जाए। इसके लिए सेफ्टी के लिए ही करते लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम जल्दी पहुँच जाए। और आप जानते हैं मैं कितनी एक्साइटेड हूँ श्रीनगर पहुँचने के लिए, देखने के लिए। सॉरी, आज मेहंदी है घर में, वही अभी फ़ोन आया था मुझे कि तुम ऑलरेडी एक दिन लेट हो गई है फंक्शन में, एक दो दिन आज मेहंदी है, देखो शाम में अगर पहुंच जाएंगे तो अच्छा है। तुम लोग देखते हैं अभी, मुझे भी आपको कश्मीरी शादी दिखाना है। कोशिश तो कही की है हम लोग यहाँ तक आने तक का, अभी ऊपर वाला अल्लाह चाहेंगे तो रास्ता खुल जाएगा और हम मेहंदी से पहले पहुँच जाएंगे। ज़रूर आप आगे भी कनेक्टेड रहिए, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले कश्मीर के, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करिए। Thank you.
चल हम लोग गाड़ी से थोड़ा नीचे उतरे हैं और जरा पैदल चल रहे हैं। आमू हाँ
ही निकल जाते हैं और बीच में हमने रुके हैं, दो रात से सोए नहीं बराबर से, एकदम थके हुए, लेकिन सीनरी देख के दिल एकदम खुश हुआ, सारी थकावट दूर हो गई। आप दोनों इधर गए मिले देखिए कितनी खूबसूरत, बता नहीं सकती हूँ मैं, आगे तो और भी श्रीनगर बहुत खूबसूरत है, ये भी तो कश्मीर को जन्नत कहा गया ज़मीन का जन्नत। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी तक श्रीनगर नहीं पहुँचे हैं, इधर ही बीच में है, पुल टूट गया है, अभी पता नहीं वो पुल कब बनेगा, जब हमारी गाड़ियों को छोड़ेंगे, बस यहाँ तक आए लेकिन फिर और रुक गए, बाहर बारिश हो रही है, देखिए नीचे अब मैं और खाली खोले हैं, बस बाकी लोग नीचे खाने के लिए गए हैं, बारिश बहुत हो रही है, देखते हैं अब क्या होता। आज मेहंदी थी वहाँ पे, पता नहीं पहुँच पाएंगे, कल शादी है पता नहीं, क्योंकि पुल बनना है, वो पुल बनेगा जब ये लोग गाड़ियाँ छोड़ेंगे, क्या होता कितने, मतलब मैं शादी के लिए आई और ऐसा, एक्चुअली यहाँ का मौसम ऐसा है कि कभी भी कुछ होता है, अचानक में चेंज होता है, पहाड़ी मौसम है ये, तो अभी बारिश कल से शुरू है, बहुत जोरदार एकदम। अभी हम बनिहाल के टनल में दाखिल हो रहे हैं जो बहुत बड़ा है, कश्मीर यहाँ से एक घंटे का है, लेकिन आपको ये देख के बिल्कुल कैसा लग रहा होगा जैसे स्विट्जरलैंड के रास्ते में जैसा। पहुंच गए हैं, बस दो दिन लग गए, वन नाइट हमको स्टॉप करना पड़ा क्योंकि आगे का पुल टूट गया था बारिश की वजह से, बस बारिश शुरू की थोड़ा पुल का काम हुआ तब एंटर करने दिए। चलिए फिर ब्लॉग ये यहीं एंड करती हूँ, आप मेरी जर्नी ज़रूर देखिए मुंबई टू श्रीनगर, जितना हो सकता था मैंने करी हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई थी जम्मू के बाद के सफ़र में, क्योंकि बारिशें हो रही थी, पुल टूट गया, रास्ता यही हो गया, तो यहाँ पहुँचने में ज़रा बहुत वक्त लगा मुझे, तो चलो पहुँच गए, मिलते हैं ज़मीन की जन्नत की सैर साथ या कुछ और। मेरे ब्लॉग्स को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, दुआओं में याद रखना, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, श्रीनगर।